Welcome everyone, this is Anire. In this episode, we'll discuss what should be your fitness goal. Let's roll. Yeah, I've been running and running to keep it 100. It's all that I wanted, but lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. आजकल सोशल मीडिया के चकाचौंध में फिटनेस के मायने ही चेंज हो गए. मैंने अपनी फिटनेस जर्नी 15-16 साल पहले यहाँ से स्टार्ट की थी. अब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. क्या मैं तब ज़्यादा फिट था या मैं अब ज़्यादा फिट हूँ? बिकॉज पिछले कुछ टाइम से बहुत सारा यंग क्राउड मेरे पास फिटनेस कंसल्टेंसी के लिए आ रहा है और उनके गोल्स सुन के मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता हूँ. अभी रिसेंटली 18-19 साल के एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट किसी फिटनेस इन्फ्लुएंसर से इन्फ्लुएंस होके मेरे पास आए थे. उनका गोल ये था कि उन्हें 6-pack वाली श्रेडेड बॉडी चाहिए और वो इंजीनियरिंग से ड्रॉप आउट करके एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनना चाहते थे और इस डिसीजन को लेके उनके पेरेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान थे. तो मैंने तो उनको बहुत अच्छे से समझा दिया है फिटनेस के मायने मेरे हिसाब से. अब मुझे लगा कि आप लोगों से भी इस टॉपिक में बात करनी चाहिए और एक अच्छा सा आई टॉनिक देना चाहिए. तो आज के एपिसोड में मैं इसी के बारे में डिटेल में डिस्कस करना चाहूँगा. फिटनेस वर्ड का जो रियल मीनिंग होता है वो बहुत ज़्यादा सब्जेक्टिव हो सकता है. किसी साइकिलिस्ट के लिए 10 से 20 किलोमीटर लगातार साइकिल चलाना फिटनेस हो सकता है. किसी स्विमर के लिए 10 से 20 लैप लगातार स्विमिंग पूल में लगाना फिटनेस हो सकता है. किसी एथलीट के लिए अपना गेम बहुत अच्छे से परफॉर्म करना फिटनेस हो सकता है. या फिर एक वॉकिंग प्रोफेशनल एक डिसेंट सी फिजिक मेंटेन करके अपना काम एफिशिएंटली कर सकता है. क्या ये लोग फिट नहीं है? या फिर फिटनेस का रियल मीनिंग 6-pack सिंगल डिजिट बॉडी फैट और साथ में 16-17 इंच के आर्म्स होना बहुत ज़रूरी है? मेरी मानिए तो फिटनेस का रियल मीनिंग ही यही होता है कि एक एक्टिव लाइफस्टाइल हो जिसमें आप दिन भर के अपने काम एफिशिएंटली कर सको और बार बार आपको हॉस्पिटल जाना ना पड़े. आजकल यूथ में फिटनेस मॉडल या फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने का बहुत ज़्यादा क्रेज चल रहा है. ज़्यादातर लोगों को 6-pack और चिजल बॉडी बना के सो कॉल्ड सोशल मीडिया सेलिब्रिटी बनना है और उनके डिक्शनरी में पेशेंस नाम का कोई वर्ड नहीं होता है. और अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए वो किसी गुरुजी या फिर फिटनेस ट्रेनर की शरण में जाते हैं जहां पर उन्हें प्रेशराइज करते हैं कि जल्दी से जल्दी उनका ट्रांसफॉर्मेशन कर दे. और चंद पैसे के चक्कर में फिटनेस ट्रेनर उन्हें बहुत ज्यादा टॉक्सिक स्टेरॉइड्स दे देते हैं जिससे कम टाइम में उन्हें बहुत अमेजिंग रिजल्ट मिलता है बट इन फ्यूचर उन्हें बहुत सारे हेल्थ इश्यूज फेस करने पड़ते हैं. मैंने कुछ टाइम पहले अतुल टिकले के साथ एक पॉडकास्ट किया था जिसमें अतुल टिकले ने अपने स्टेरॉइड साइड इफेक्ट के बारे में डिटेल में बताया था. तो आई बटन और डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूंगा जिससे आपको बहुत अच्छा खासा आई टॉनिक मिल सकता है. कुछ बातें मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से शेयर करना चाहता हूँ. ज़्यादातर लोगों को शायद नहीं पता होगा कि जितने भी फिटनेस मॉडल या फिर फिटनेस इन्फ्लुएंसर को आप फॉलो करते हैं जो सिंगल डिजिट बॉडी फैट और चिजल बॉडी मेंटेन करते हैं उनका फिटनेस लेवल नहीं के बराबर होता है. बिकॉज पिछले कुछ टाइम से मैंने काफ़ी सारे ब्रांड्स के लिए शूट करके रखा है जब मेरा फैट परसेंटेज सिंगल डिजिट में होता है. एंड टू बी वेरी फ्रैंक मैं उस टाइम पे अपने लाइफ के सबसे कमज़ोर फेज में होता हूँ. बिकॉज कोई भी काम मैं एक्टिवली नहीं कर सकता हूँ. मैं अंदर से बहुत कमज़ोर फील करता हूँ बिकॉज तब के टाइम पे मेरा कार्ब इनटेक सॉल्ट एंड वाटर सब कुछ कट डाउन रहता है और अंदर से मैं बहुत ज़्यादा अनईजी फील करता हूँ. और फिटनेस अगर आपका काम नहीं है तो ये सारी चीज़ों से ज़्यादा अट्रैक्ट मत हुईए. नॉर्मल फिटनेस मेंटेन करिए जिससे आप ज़्यादा हेल्दी रह सकते. जाने के पहले कुछ ज्ञान की बातें आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूं कि लाइफ में फिटनेस मेंटेन करना बहुत ज्यादा जरूरी है. बिकॉज अगर आप फिट है तो आप अपना काम एक्टिवली और एफिशिएंटली कर सकते हैं. और फिटनेस मेंटेन करने के लिए आपको जो भी एक्टिविटी है वो आप कर सकते हैं. चाहे तो आप जुम्बा कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं या फिर वेट लिफ्टिंग भी कर सकते हैं. और साथ ही में एक न्यूट्रिशियस डाइट प्लान फॉलो करिए और रेस्ट लीजिए जिससे आप ज्यादा हेल्दी हो सकते हैं. और किसी एक्टर को देख के अगर आप इंस्पायर हो रहे हैं जो कि बहुत अच्छी बात है और इंस्पायर होकर उनके जैसी बॉडी बनाना चाहते हैं तो एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी कि ये उनका काम है. और अगर आपका वो काम नहीं है तो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए बिकॉज इस चीज़ को करने को उनको पैसे मिल रहे हैं और आपको नहीं मिल रहे. फिटनेस आपके लाइफ का पार्ट है, आपकी लाइफ फिटनेस नहीं है. और इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ जानना है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए और मुझे इंस्टा पे फॉलो करिए. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जाके आप डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं. साथ ही में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है उसे प्रेस कर दीजिए. बाजू वाला जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिए. होप यू लाइक दिस वीडियो. इफ यू डिड देन प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल. कीप पंपिंग. स्टे ब्लेस्ड.